इस बार राजस्थान में 13 फरवरी को राहुल गांधी की एक रैली हुई, जिसमें भीड़ जुटाए जाने वाली रणनीति का एक वीडियो जिसमें एक मौलवी दिख रहा है काफी वायरल हो रहा है। क्या है इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले एक बहुत ही अच्छी खबर लद्दाख से आ रही है। वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुंग ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें एक बार फिर से उनके इनिटिव प्रयास की सराहना हो रही है। उन्होंने एक सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट तैयार किया है, जिसकी सहायता से भारतीय सेना के जवानों को बहुत ज़्यादा ठंड वाले माहौल में रहने में भी आसानी होगी। सोनम ने बताया कि उन्होंने गलवान घाटी में भारतीय सेना की सहायता के लिए इस टेंट को तैयार किया है। उन्होंने बीते कल रात ये तस्वीरें शेयर की और बताया कि रात के 10 बजे जहाँ बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस था, वहीं टेंट के भीतर का तापमान +15 डिग्री था। अर्थात टेंट के बाहर के प्राकृतिक तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, जिससे गलवान घाटी में भारतीय सेना के जवानों को वहां रात गुजारने में खासी आसानी होगी और साथ ही इतनी ज्यादा ठंड से भी राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेंट सौर ऊर्जा पर संचालित है। सोनम वांगचुंग ने बताया कि इससे कई टन केरोसिन तेल के उपयोग में भी कमी आएगी, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद मिलेगी। सोनम ने बताया कि इस एक टेंट के भीतर 10 जवान आराम से रह सकते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि इस टेंट में लगे सारे उपकरण और पार्ट्स पोर्टेबल है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और अब रही बात राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए भीड़ जुटाने वाली वीडियो की, तो जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक मजहबी गुरु लोगों से राहुल गांधी की रैली में भारी मात्रा में इकट्ठा होने के लिए कह रहा है और साथ ही 2025 का भी हवाला दे रहा है। पार्टी के साबिक सदर पूर्व अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी ये तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे MLAs आ रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपने इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।